अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग सकरे रास्तों से गुजरना नहीं पड़ेगा। यह कॉरिडोर बनने के बाद गंगा घाट से सीधे कॉरिडोर के रास्ते बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। इसकी कुल लागत 900 करोड़ रुपए है। काशी को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब आइए हम जानते हैं काशी विश्वनाथ धाम की कुछ खास बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा बहुत काम इसमें बाकी है। इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्ष भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी जैसे सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में अगर गोदौलिया वाले गेट से कोई एंट्री करेगा तो यूटिलिटी भवन सिक्योरिटी ऑफिस मिलेगा। इसमें चुनार के गुलाबी पत्थर, मकराना के सफ़ेद मार्बल और वियतनाम के खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 250 साल के बाद मंदिर का पहली बार जीर्णोद्धार हो रहा है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद श्रद्धालु 50 फीट की सड़क से गंगा किनारे से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में महादेव के प्रिय पौधे रुद्राक्ष, बेल, पारिजात, वट और अशोक वृक्ष भी लगाए जाएंगे, जो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगेंगे। बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसाद भी तैयार हो रहा है। जितने श्रद्धालु आएंगे उनको प्रसाद वितरण होता रहेगा। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2019 को किया था। एक अध्यादेश के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर पर क्षेत्र को विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया था, जिसके बाद आसपास के कई भवनों को अधिग्रहित किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का 1780 में जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में मंदिर के शिखर सहित अन्य स्थानों पर सोना लगवाया था। इस मंदिर में जितना भी सोना था, संपत्ति थी, सब औरंगजेब लूट कर ले गया था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुल मिलाकर 250 साल के बाद इस मंदिर का दोबारा जीर्णोद्धार हो पाया है। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे कुछ मंदिर हैं, जैसे मानस मंदिर, दुर्गा कुंड, संकट मोचन मंदिर, काल भैरव मंदिर और खुद बाबा विश्वनाथ मंदिर तो है ही। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई एक बोरी चावल लेके वाराणसी में आए और एक एक चावल हर मंदिर में चढ़ाए, उसका चावल खत्म हो जाएगा पूरी बोरी का, लेकिन यहाँ पे मंदिर खत्म नहीं होंगे। और यहाँ पे बनारस में गंगा घाट भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बनारस का ठाट और गंगा जी का घाट आपको बनारस में ही देखने को मिलेगा। बनारस में 100 से ज़्यादा घाट हैं जिनका हम पूरा नाम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ जो फेमस घाट हैं जैसे मणिकर्णिका घाट है या हरिश्चंद्र घाट, दशाश्वमेध घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट, जैन घाट, 80 घाट, इस तरह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे घाट हैं जिनका आप दर्शन करते हैं और घाटों के ऊपर घाट वॉक करते हैं तो बहुत खूबसूरत, बहुत शांति की अनुभूत होगी आपको। तो अगर आप बनारस में आते हैं तो आपको गंगा के घाट देखने को मिलेंगे, मंदिर देखने को मिलेंगे और ऐतिहासिक स्थल भी देखने को मिलेंगे। रामनगर में बहुत बड़ा किला भी आपको देखने को मिलेगा। तो रामनगर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है वाराणसी से, और 20 किलोमीटर की दूरी पे ही एक नया मंदिर बनवाया जा रहा है जिसका नाम है स्वर्वेद महामंदिर, जो सदगुरु सदाफल जी महाराज की याद में बनवाया जा रहा है। और यह विश्व का एक बहुत बड़ा मंदिर होगा जहाँ पे आध्यात्म की शिक्षा दी जाएगी,
यानी इसको मेडिटेशन सेंटर बोला गया है। तो अगर आप वाराणसी में आते हैं तो आपको स्वर्वेद मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम समय समय पर आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।